एक है लव एंड कंपैशन विच इज ऑलवेज अनकंडीशनल, जैसे एक माँ का अपने बच्चे के लिए होता है, लेकिन फिर आती है एक रिलेशनशिप विच कांट बी अनकंडीशनल। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ बेटे के रिलेशन में प्रॉब्लम क्यों आने लग जाती है? बचपन में तो सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा होता है, बड़े होते ही क्या हो जाता है? जैसे उस बेटे की शादी होती है क्या हो जाता है? ये सास बहू की कहानियां सुनी है ना आपने? अरे सीरियल्स हैं इतने सारे, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सास अपनी बहू को मारने का प्लान बना रही है, बहू पता नहीं सास के साथ में क्या कर रही है, ये वो, मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई, पूरा इंडिया देख रहा है सास बहू का। क्या हो जाता है? क्या वो प्यार खत्म हो गया है माँ का अपने बेटे के लिए? प्यार तो खत्म नहीं हुआ है। अगर उस बेटे को जरा सा भी कुछ हो जाए तो माँ को आज भी दर्द होता है, दुख होता है, और माँ उस बेटे के लिए खड़ी है। एक है प्यार विच इज अनकंडीशनल, एक है रिलेशनशिप जहां पे प्रॉपरली डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है कि लाइफ में किस पॉइंट पे किससे हमको क्या एक्सपेक्ट करना है और किससे क्या नहीं करना है, किसका क्या रोल है, दैट हैज टू बी डिफाइंड प्रॉपरली। कहां पर कितनी स्पेस होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, वो सब डिफाइन करना पड़ेगा। इट कांट बी अनकंडीशनल। एक्सपेक्टेशंस को कभी खत्म नहीं करना है, कभी भी नहीं, स्पेशली इन अ रिलेशनशिप। आपको सामने वाले से एक्सपेक्ट करना है और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपको पूरी करनी है, बट इट मस्ट बी रियलिस्टिक, इट मस्ट नॉट बी अनरियलिस्टिक, इट मस्ट बी फेयर फॉर बोथ द पार्टीज इन्वॉल्वड। ये एक तरह का एक एग्रीमेंट है, जैसे बिजनेस में एग्रीमेंट होता है ना, एक तरह का एग्रीमेंट है, एक तरह का गिव एंड टेक है एक रिलेशनशिप में, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर, और कोई दोनों में से कोई उसको वायलेट नहीं करेगा कि हमारे एग्रीमेंट की ये जो अनसेड जो हमारी ये जो रिलेशनशिप है इसके ये टॉप 10 क्लॉजेस हैं, बाकी के जो 7 है उस पर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, बट ये टॉप 3 पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मान लो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, क्या ये इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में? नहीं है। आप कहो अनकंडीशनल है, सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, अनकंडीशनल, मुझे तो उससे बहुत प्यार है, अरे तो आज आपको कुछ उल्टा बोल रहा है कल हाथ भी उठाने लग जाएगा, फिर कब तक झेलते रहोगे? जरूरी है ना? हाँ जरूरी है। तो ये क्या है? ये कंडीशंस है। तो एक रिलेशनशिप में कंडीशन जरूरी है, बट लव में कुछ कंडीशन नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। तो लव और रिलेशनशिप दो अलग अलग चीजें हैं। रिलेशनशिप शुरू भी होती है और खत्म भी होती है। लव ना शुरू होता है ना खत्म होता है।